हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ज़ीरो बेस बजटिंग जो हमारा चैप्टर है उसमें पॉइंट नंबर 6 डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड ZBB देखेंगे। ज़ीरो बेस बजटिंग ऑलमोस्ट रिवर्सेस द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। ये ट्रेडिशनल बजट से बिल्कुल रिवर्स है। द डिफरेंस बिटवीन द टू मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। फर्स्ट इज बेस। अब ट्रेडिशनल मेथड में प्रीवियस ईयर को बेस लिया जाता है, बट ज़ीरो बेस बजटिंग में हमें ज़ीरो बेस लेकर सिर्फ ये देखना है कि हमारा कॉस्ट क्या है और बेनिफिट्स क्या हैं। हम अपनी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को एनालाइज करेंगे एंड फाइनल करेंगे कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेकंड, मोर एंड मोर फंड्स डिमांडेड। ट्रेडिशनल में क्या होगा कि जो पहले के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पहले के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, पहले के जो बजट्स हैं, उन्हें बेस लेकर मोर फंड्स की डिमांड की जाती है, जबकि ज़ीरो बेस बजटिंग में प्रायोरिटी देखी जाती है, बेनिफिट देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है एंड फाइनली फंड्स डिमांड किए जाते हैं। थर्ड इज हु डिसाइड्स। द फंड्स टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रपोजल इज डिटरमाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट, व्हाइल दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी rest with the managers of decisions unit in case of zero-base budgeting. ट्रेडिशनल मैथड में टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, जबकि ज़ीरो-बेस बजटिंग में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की होती है। नाउ फोर्थ इज अप्रोच। द अप्रोच ऑफ बोथ द मैथड्स आर डिफरेंट। दोनों मैथड के अप्रोचेस डिफरेंट हैं। In case of traditional system, the figures of previous year are taken and as the base and some amount is added to it as per new requirement. ट्रेडिशनल मैथड में हम लास्ट ईयर को बेस लेते हैं और उसमें कुछ अमाउंट प्लस या माइनस करते हैं एंड दस द फाइनल फिगर्स आर अराइव्ड, while in the case of ZBB, decision packages are prepared and ranks are given to all proposals. हमारे पास जितने भी प्रपोजल्स हैं उन्हें रैंक दिए जाते हैं और उन रैंक से आगे कंटिन्यू किया जाता है, आगे डिसीजंस लिए जाते हैं कि ये प्रपोजल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नॉलेज रिक्वायर्ड। द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ हिज डिपार्टमेंट, एक्टिविटी और प्रोग्राम ओनली, as he has to prepare budget proposal only by making few changes here and there is this base. अगर हमें ट्रेडिशनल मैथड से बजट बनाना है तो हमें लास्ट ईयर का बजट चाहिए, करंट ईयर में थोड़ा सा प्लस माइनस कर देंगे। ये है ट्रेडिशनल के लिए। बट इन केस ऑफ ZBB, अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू नो हाउ वेरियस एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ हिज प्रपोजल ऑन देम। जबकि ज़ीरो बेस बजटिंग में न्यू प्रपोजल बनाए जाते हैं, मैनेजर को नॉलेज होना चाहिए उस एक्टिविटी का और उसके परफॉर्मेंस का। कॉस्ट। द एक्सपेंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिशनल बजट आर लेस। ट्रेडिशनल बजट बनाने का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कम होता है, क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर का बेस होता है और उसमें कुछ प्लस माइनस करना होता है। बट ज़ीरो बेस बजटिंग का जो एक्सपेंडिचर होता है वो ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। नाउ सेवंथ पॉइंट, ऑल्टरनेटिव। इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग, नो अल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड और इवेल्यूटेड एज द बेस इज प्रीवियस ईयर्स फिगर्स, बट इन केस ऑफ ZBB, decision packages are prepared, various alternatives are evaluated and ranked and only the high priority proposals are accepted. ट्रेडिशनल में हम प्रीवियस ईयर को देखेंगे, प्रीवियस ईयर के फिगर्स को बेस लेकर डिसीजन लेंगे, कोई अल्टरनेटिव नहीं देखा जाता, बट ज़ीरो बेस बजटिंग में अलग अलग अल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया जाता है. नाउ पॉइंट नंबर 7, एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग. ज़ीरो बेस बजटिंग के एडवांटेजेस क्या होंगे? तो आइए इसके एडवांटेजेस देखते हैं एंड देन लिमिटेशंस देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, एंड देन ये लेक्चर पूरा करेंगे. ठीक है, नाउ एडवांटेजेस. फर्स्ट, इम्प्रूव्स ओवरऑल एफिशिएंसी. ज़ीरो बेस बजटिंग से ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगी. मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट होते हैं, वेस्टेज एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस हो जाते हैं, मैनेजर्स की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है यहाँ पर. सेकंड, वैलिडिटी ऑफ ट्रेडिशनल मेथड चैलेंज. जो ट्रेडिशनल मेथड आज तक चलता आ रहा है, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसे हम चैलेंज कर रहे हैं. जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ हैं, करंट प्रोग्राम्स हैं, उनका प्रॉफिट है, हम उसे चैलेंज कर रहे हैं. ट्रेडिशनल मेथड में सिर्फ जस्ट इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है फ्रॉम द करंट और प्रीवियस फिगर्स, रीथिंकिंग नहीं की जाती, जबकि यहाँ पर रीथिंकिंग ऑफ ईच प्रपोजल promotes more effective allocation. प्रोजेक्ट्स का रीथिंकिंग करेंगे एंड देन एलोकेट करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंथुसियाज्म. इट इज एन एजुकेशन प्रोसेस दैट कैन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टीम. मैनेजर्स एट ऑल लेवल टेक पार्ट इन प्रिपरेशन ऑफ बजट. मैनेजर्स की टीम बनाई जाती है और वो बजट बनाने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें बजट बनाने की प्रिपरेशंस करनी होती हैं. दे आर दस ट्रेंड इन द मेथड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. अब वो ये काम करते ट्रेंड हो जाएंगे और कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालाइज करने लगेंगे कि इस काम का कॉस्ट कितना होगा और उसमें से बेनिफिट कितना होगा, और वो काम ये इंडिपेंडेंटली करेंगे हर एक प्रपोजल का. देयर सेंस ऑफ ईगो इज सेटिस्फाइड एज दे फील दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ बजट. हर एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन का एक अपना ईगो होता है, यहाँ पर वो ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बजट्स बनाने के लिए. बजट बनाना किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. ये उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन देगा. इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग. द न्यू टेक्निक लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच रिजल्ट्स इन टू इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एज अ होल. बिजनेस एज अ होल जो है वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ होगा. जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके मैक्सिमम यूजेस होंगे. डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अवॉइडेड. कई बार ऐसा होता है कि कुछ एफर्ट्स जो हैं वो हम या हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे अलग अलग मैनेजर्स डुप्लीकेट एफर्ट्स करते हैं, मीन्स एक ही काम दो लोग कर रहे होंगे, तो यहाँ पर वो एफर्ट्स अवॉइड हो जाते हैं. डुप्लीकेशन एफर्ट्स का नहीं होता है. सेवंथ, Useful in policy formulation. This type of budgeting helps management in decision making due to decision packages. Necessary data for decision making is available. The decisions would be matured. हम अलग अलग decisions लेंगे. Decisions लेने के लिए experts की help लेंगे. अलग अलग लोग अलग अलग decisions देंगे जिसमें से हम रैंक देकर फाइनल डिसीजंस को कंटिन्यू करेंगे, जिससे हमारे जो डिसीजंस निकलेंगे वो मैच्योर्ड डिसीजंस होंगे. जो हमारे डिसीजंस होंगे वो बहुत ही मैच्योर्ड डिसीजंस होंगे. कंटिन्यूटी इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली एवरी टाइम बजटिंग इज अंडरटेकन. New concepts, ideas, etc. are thought of and implemented. अलग अलग आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन थाट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है और हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में. ट्रेनिंग टू मैनेजर्स. एज मैनेजर्स आर इन्वॉल्व इन बजटिंग, they get training in preparing budgets and for making difficult decisions. अब managers को अगर involve किया जाएगा तो उन्हें उस projects की difficulties या budget बनाने में जो difficulties आती हैं वो पता होंगी. So managers trained होते जाएंगे. Their job satisfaction and sense of responsibility increases and they try to implement the budget with proper enthusiasm. वो उस प्रोजेक्ट को, उस बजट को एक जोश के साथ करेंगे, एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करेंगे और कंटिन्यू रहेंगे. तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ ZBB. स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ZBB. ठीक है.